प्लांट की ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी फर्टिलाइज़र है उतनी ही ज़रूरी प्रूनिंग भी है। नाउ प्रूनिंग क्या होता है, हम क्यों करते हैं, इसे करने से प्लांट पे क्या असर पड़ता है और एग्जैक्टली प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, मैं इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम अपने प्लांट्स की लीव्स कट करते हैं, स्टेम कट करते हैं, या ब्रांचेस, फ्लावर्स, रूट्स, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट की कटिंग करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए या शेप देने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो उसे प्रूनिंग कहते हैं, मतलब कटाई छटाई। प्रूनिंग करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हम प्लांट के किस पार्ट की प्रूनिंग कर रहे हैं। सो नंबर वन इज़ लीव्स की प्रूनिंग, मतलब पत्तियों की कटाई। अगर आपके प्लांट की लीव्स येलो हैं, ब्राउन हैं, इन्फेक्शन है, एक्स वाई जेड किसी भी रीज़न से डैमेज हो गई हैं, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी उस लीफ पे वेस्ट करेगा, जबकि वो लीफ अब रिकवर होने वाली नहीं है, तो उस लीफ को हटा देना बेस्ट है। एक और चीज़ है, डेड लीव्स को अगर नहीं हटाएंगे तो इनमें इन्फेक्शन, फंगस या कीड़े का अटैक भी हो सकता है, जो पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा। और जब आप इन पुरानी लीफ को हटाओगे तभी न्यू लीव्स आएंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पर्सनली फील की है, प्लांट की लीव्स का येलो होना या ब्राउन होना बहुत ही स्वाभाविक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मेरे प्लांट में प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस में है या नेचुरली येलो और ब्राउन हो रही हैं, तो उसके लिए आपको अपने प्लांट की सारी इन्फेक्टेड लीव्स, येलो लीव्स, ब्राउन, डल, जितनी भी लीव्स हैं ना बेकार डैमेज, आपको वो हटानी होगी। उसके बाद ही नेक्स्ट डे आप चेक कर पाएंगे कि अभी फिर से मेरे प्लांट में लीव्स येलो हो रही हैं या नहीं। नाउ लीव्स की कटिंग करने का एक और रीज़न होता है, प्लांट्स में जो लीव्स सबसे नीचे होती हैं बिल्कुल मिट्टी के पास, उन्हें भी हटा देना चाहिए, क्योंकि उन लीव्स में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा रहता है और इसलिए कीड़े, फंगस, इन सब का अटैक सबसे पहले इन लीव्स पे होता है। और इनका फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा सच कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इन लीव्स को हटा देना चाहिए। नाउ सेकेंड इज स्टेम या ब्रांचेस की प्रूनिंग। जब प्लांट छोटा होता है तभी से उसकी स्टेम और ब्रांचेस की प्रॉपर प्रूनिंग होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी घना और बुशी होगा। अगर स्टार्टिंग से प्रूनिंग नहीं की गई है तो प्लांट बिल्कुल एक डंडे जैसा बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, बस ऊपर जाके थोड़ी सी लीव्स होंगी। मैंने इस पॉट में मिर्ची के दो प्लांट्स लगाए हैं, बट इनकी एज सच प्रूनिंग नहीं की थी मैंने, तो इसमें सिर्फ 2-3 ब्रांचेस हैं। उसी जगह मैंने इस प्लांट में स्टार्टिंग से ही बहुत प्रूनिंग की है, हर 15 दिन में मैं ऊपर से लीव्स और ब्रांचेस की टिप्स काट देती थी और ये अभी बहुत हरा भरा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे फ्रूट्स, मतलब वेजिटेबल्स भी आएंगे। नाउ इसका रीज़न क्या है, प्लांट में एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस की टिप पर होता है, वो टिप पर ही ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से साइड ब्रांचेस नहीं निकल पाती हैं। तो जब हम लोग प्लांट की ब्रांचेस और स्टेम को ऊपर से काट देते हैं ना, तो जो साइड ब्रांचेस की ग्रोथ रुकी हुई थी ना, वो स्टार्ट हो जाती है। आप इस प्रूनिंग को इनिशियल फेज पे कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने तुलसी प्लांट की हर मंथ प्रूनिंग करती हूँ, इसलिए ये प्लांट काफ़ी घना, काफ़ी बुशी, काफ़ी सुंदर लगता है। वैसे तो आप पिंचिंग करके भी प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कट कहाँ लगाना है ये बहुत मैटर करता है। सीजर या प्रूनर, आप जिसको भी यूज़ कर रहे हो, उसे सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक प्लांट का इन्फेक्शन दूसरे प्लांट में हो जाएगा। सिंपली सोप से, हैंड वॉश से, सैनिटाइजर से, डेटॉल से, किसी से भी आप प्रूनर को क्लीन कर लीजिए। नाउ आपको कट हमेशा नोड के जस्ट थोड़े से ऊपर लगाना है। नाउ नोड क्या होता है, नोड्स स्टेम या ब्रांचेस में एक पॉइंट होता है जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, ये अलग से एक गांठ जैसा दिखता है, इसी को नोड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर की प्रूनिंग। जब फूल खिल जाता है तब वो पर्टिकुलर उसी कली में दोबारा नहीं खिलेगा, राइट, तो उसे हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैस्मिन दैट इज मोगरा के जिस ब्रांच में फूल खिल चुका है उस पूरी ब्रांच को कट कर देना चाहिए, इससे दूसरी ब्रांचेस में फ्लावर बहुत तेज़ी से निकलने लगते हैं। इसी तरह से तुलसी के फूल जब मैच्योर होकर बीज यानी कि सीड्स बन जाते हैं तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और तुलसी सूखने लगती है, इसलिए तुलसी के फ्लावर्स को हमेशा कट करते रहना चाहिए।
आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स की प्रूनिंग। जब प्लांट बड़ा होता है तो उसकी रूट्स भी बढ़ती हैं, और जब रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो रूट बाउंड हो जाते हैं, मतलब रूट्स आपस में उलझने लगती हैं। तो इस कंडीशन में आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप उस प्लांट को दूसरे पॉट में, थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, या उसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, साल में एक बार अपने प्लांट को पॉट से निकालते हैं, उसकी रूट्स को ट्रिम करते हैं, मतलब नीचे से काटते हैं, पॉट की मिट्टी चेंज करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं, और उसके बाद प्लांट को फिर से उसी ओरिजिनल पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रूट बाउंड नहीं होती है, प्लांट ईजली उसी अपने ही पॉट में अच्छे से सर्वाइव करता है। नाउ नेक्स्ट है प्रूनिंग फॉर शेप। जब हम प्लांट की प्रूनिंग प्लांट को शेप देने के लिए करते हैं, ये मेरा ड्रैकना का प्लांट है, ये काफ़ी शेपलेस है, तो अभी मैं इसमें कट करूँगी और कट करके इसकी कटिंग को इसी मिट्टी में लगा दूँगी। मेरा क्रिसमस ट्री थोड़ा सा शेपलेस हो गया है, तो इसकी लीव्स कट करने वाली हूँ मैं आज। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्साई। कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्लांट जो काफ़ी बड़ा ट्री बनने वाला था उसकी रूट्स कट करते रहते हैं। इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ पाती है और उसकी स्टेम काफ़ी मोटी हो जाती है, तो ये लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इस वजह से लोग शेप की वजह से ये प्रूनिंग करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट शेप। नाउ एक और प्रूनिंग हम करते हैं, कब, जब पेस्ट का अटैक होता है। अगर आपके प्लांट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी भी एरिया में पेस्ट का, कीड़े का, किसी का भी अटैक हो गया है, तो आपको ब्रांचेस काटनी पड़ती है। इनिशियल स्टेज पे तो आप नीम ऑयल, सोप सोल्यूशन या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन अगर ये काफ़ी बढ़ चुका है तो आपको ब्रांच को कट करना ही पड़ेगा। एक जेंटल रिमाइंडर है, आप लोग प्लीज़ अपने प्लांट पे वीकली नीम का स्प्रे करते रहिए। जब आप लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो ना, तो इंसेक्ट्स, पेस्ट, मिलीबग, इन सब से आपका सामना होता रहेगा, इसलिए बेटर है अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करके चलिए। नीम का स्प्रे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, वो पूरा इन डिटेल मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे देखिए और यूज़ करिए। और उस सॉल्यूशन को आप एक बॉटल में रख के बाहर एक मंथ तक इजीली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है। आई हैव वन मोर थिंग टू शेयर। अगर कोई ब्रांच आपसे गलती से भी हाथ लग जाता है, टूट जाती है, तो उसे प्रॉपरली कट कर दीजिए, वरना उस एरिया में इन्फेक्शन या फंगस लग सकता है। आई नो प्रूनिंग इनिशियली बहुत पेनफुल होती है, बहुत दुख होता है अपने प्लांट की कटिंग करना, लेकिन जब कुछ ही दिनों में प्लांट बहुत घना हो जाता है ना, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अपने प्लांट को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग तब करनी है जब उनका ग्रोइंग पीरियड हो या ग्रोइंग सीज़न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स वाले प्लांट्स की आप प्रूनिंग करिए, लाइक मैरीगोल्ड की करिए, रोज़ की करिए, अगर आपने टमाटर उगाया है उसकी करिए। और समर वाले प्लांट्स की प्रूनिंग समर्स में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तुलसी, हिबिस्कस, पारिजात, अपराजिता, रबर प्लांट, डाइफिन, जितने भी गर्मी वाले प्लांट्स हैं ना, उनकी प्रूनिंग गर्मी में करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी भी अपने समर्स वाले प्लांट्स की लास्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर विंटर्स नहीं आई हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स तक आपको इन प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और आपको फिर फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में ही इन प्लांट्स की, गर्मी वाले प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि प्रूनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और प्लांट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। वॉइस ऑफ प्लांट से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे अकाउंट है, इस पे मैं अपने गार्डनिंग की डे टू डे एक्टिविटीज़ और कुछ टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मीनवाइल, मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।